दबाव लोग, मार्वल ने थंडरबोल्ट्स को भी मैदान पर उतार दिया है, जिसका ट्रेलर जैसा ही टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसमें डिटेल्स का खजाना छुपा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं बाबा, मार्वल का सुपरमैन हमें इस मूवी में मिलने वाला है। कैसे, चलो बात करते हैं। बाबा टीजर अपने पेस के साथ स्टार्ट होता है, जहां इसने हिंट दे दिया जितनी भी ये ठुके पिटे सुपर हीरो हैं इनकी लाइफ फिलहाल अच्छी चल नहीं रही है। सब अपनी सड़ी लाइफ का रंडी रोना मचाए पड़े हैं, जिसमें येलेना अपने बाप रेड गार्डियन के पास आती है, जो कति गार्बेज लाइक घर में रह रहा है और तंगी इतनी आ गई है कि विम बार से इसे कुल्ला करना पड़ रहा है। व्हाट द फक। देन उसके बाद जॉन वॉकर दिखता है, ये भी अपनी पास्ट की गलतियों का भिंडी रोना मचाए बैठा है, क्योंकि इसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में चूतिया जो कटवा लिया है और कैप्टन अमेरिका की तरह इसे इंट्रोड्यूस करना चाहा था लेकिन सफल ना हो पाया, इसलिए इस मूवी में कुछ नया इसके लिए नया रखा है, जो उसे US एजेंट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वी सॉ कि एक लैब टाइप केज में येलेना जॉन वॉकर दिखते हैं एक साथ। देन तभी उसके तुरंत बाद टास्क मास्टर भी एंट्री दिखती है, जिसे आपने ब्लैक विडो में देखा होगा। उसके बाद तुरंत घोस्ट की भी एंट्री दिखती है, जिसे आपने आंटमैन एंड द वॉस्प में भी देखा होगा। और जब ये लड़ ही रहे थे, इतने में एक नया बंदा लैब पेशेंट कपड़े पहनकर इनके सामने आता है, जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है बॉब बोलकर। और यहां होगी सबकी गुद्दी लाल, क्योंकि वो हो ना हो और कोई नहीं, सेंट्री है, जिसका पूरा नाम रॉबर्ट बॉब रेनल्ड होगा, क्योंकि कॉमिक में यही रिप्रेजेंटेशन है, जिसे मार्वल का सुपर हीरो सुपरमैन कहा जाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि 1000 सन्स का पावर है। तो तुम समझ सकते हो ये सुपर हीरोज का बाप है, जो सबकी फाड़ के रख सकता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जो सुपर हीरो के साथ साथ विलेन का रोल भी प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर वॉइड जो छुपा हुआ है, जिसका इस्तेमाल खुद नल करता है और भी ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए, क्योंकि डार्क से ही नल और ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये बंदा दो कैरेक्टर को प्ले करता है, बाकी कहने का अर्थ है कि इसके अंदर हीरो भी है और विलेन भी है, बाकी इसकी भी बात किसी सेपरेट वीडियो में अलग से करेंगे पूरी डिटेलिंग में। देन वी सो वैलेंटीना, जो इन सबको अपने इशारों पर नचा रही है और ये इनसे उल्टे सुलटे काम करवाती रहती है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन येलेना और सबके चेहरे पर देखने को मिल ही रही है। और बॉब हो ना हो इसी की क्रिएशन होने वाला है, जिसे लैब पर हमारे थंडरबोल्ट्स ने एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा, और बॉब इतना पावरफुल होगा कि इसकी खबर इनको नहीं थी, क्योंकि दूसरे सीन में हमने बॉब को स्पेशल फोर्स से सामना करते भी देखा, जिसके कपड़े में बुलेट्स के छेद हैं और वो वहाँ से सर्वाइव करके निकल गया होगा, यानी लैब से थंडरबोल्ट से लड़ते वक्त। तभी दूसरे सीन में वैलेंटीना हमारे थंडरबोल्ट से मीटिंग करती दिखती है, और वो भी कहाँ पर, एवेंजर्स टावर पर। इसका मतलब यही है कि हो ना हो इस टावर को वैलेंटीना ने ही खरीदा है, काफ़ी पैसा है इसके पास भी। और दूसरा ये कि लैब पर हो ना हो वैलेंटीना ने ही सबको भेजा होगा, या तो बॉब को मारने के लिए, या तो फिर बॉब वैलेंटीना का टेस्ट का एक पार्ट होगा, उसकी पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो शायद चेक करना चाह रही हो कि ये बॉब थंडरबोल्ट से जब लड़ेगा तो ये उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अवर बिलवर्ड बकी, जिसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सकल पे 12 ऐसे बजे हैं जैसे मौत आ रही हो इसे अपने काम में। ऑब्वियसली ये भी अपनी लाइफ में परेशान दिख रहा है, जो वापस विंटर सोल्जर का रूप धारण करना चाह रहा है, जो एक बार के लिए थंडरबोल्ट्स की टीम में भी दिख रहा है, लेकिन लास्ट में इन सबको पेलने के लिए चेज भी कर रहा है। तो बाबा इस 3.5 मिनट के छोटे से चीजर से तो यही सब पता लगा, आगे जब 5-6 मिनट का ट्रेलर निकालेंगे तब पूरी मूवी को समझ लेंगे, है ना, क्योंकि ये लोग मूवी के लिए कुछ नहीं बचाना चाहते, सब यही बता देना चाहते हैं। चलो भाई अलविदा लेते हैं, बाकी आपने भी ट्रेलर देख लिया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या एक्साइटमेंट है इसको लेकर, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी यार जरूर लाइक किया करो भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे आगे और काम करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अगर आप रेगुलर बने रहते हो, वीडियो देखते हो तो ज़रूर, क्योंकि फिर हम और भी नई चीज़ें लाने के लिए उत्साहित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। बाकी भाई यहाँ तक पहुँच गए हो तो फिर वही घिसी पिटी लाइन, वीडियो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।